आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में 5 महीने के बाद सबसे कम कोरोना के मामले मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए, जबकि किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उत्तरकाशी में 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं आया, जबकि चमोली में 1, देहरादून में 6, हरिद्वार में 4, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी और उधम सिंह नगर में 1-1 और रुद्रप्रयाग में 4 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। उत्तरकाशी में बादल फटा, कई लोग मलबे में दबे। तो जिले के 4 गांव में कुदरत का कहर टूटा है। रविवार की रात अतिवृष्टि से मांडव गांव के लगभग 9 घर मलबे की चपेट में आए हैं, जिनमें कई लोगों और वाहनों के दबे होने की आशंका जताई है। NDRF, SDRF, SDF और पुलिस पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। नीराकोट के पनवाड़ी में भी मलबा आने से खासा नुकसान पहुंचा है। मांडो के देवानंद भट्ट ने बताया कि रात 8:30 बजे के करीब पानी के तेज प्रवाह के साथ मलबा उनके घरों तक पहुँचा। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनकी पत्नी, भाभी और 3 साल की भतीजी उनके घर के मलबे में दब गए। मांडो के 8 अन्य घरों में भी नुकसान पहुंचा है। मलबा सड़क की ओर आया, जहां कई वाहन के भी दबे होने की आशंका है। एक मोटर पुल भी ध्वस्त हो गया है। तीसरी लहर मैच 3 हफ्ते दूर, अगस्त में रोज आ सकते हैं 1 लाख तक केस। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर 2-3 सप्ताह बाद आ सकती है। अगस्त से रोजाना करीब 50% संक्रमितों के बढ़ने के आसार हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समरीन पांडा ने कहा, इस बार अगस्त से तीसरी लहर के लिए चुनाव नहीं, भीड़ जिम्मेदार होगी। पांडा ने गणितीय आकलन के आधार पर आशंका जताई है कि अगस्त में आने वाले लहर के दौरान रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि दूसरी लहर की तुलना में यह काफ़ी कम है। नई लहर की आहट कुछ ऐसे बढ़ रही रफ्तार। तो 13 जुलाई को देश में कोरोना के 31,443 मामले सामने आए थे, जबकि 14 जुलाई को यह 38,792 हो गई। 15 जुलाई को 41,806, 16 जुलाई को 38,949, 17 जुलाई को 38,079 और 18 जुलाई को फिर से 41,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। डॉक्टर पांडा का मानना है कि जनता का साथ न मिलने की वजह से कोरोना का ग्राफ बीच में ही ठहर सा गया है। उतार चढ़ाव भरी इस स्थिति में देश को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से नई लहर आ सकती है। उत्तराखंड में 27 तक बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। तो प्रदेश में कम होते जा रहे हैं कोरोना मामलों के बावजूद सरकार बहुत ज़्यादा ढिलाई देने के मूड में नहीं है। शासन के सूत्रों के मुताबिक कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ सकता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग सोमवार को SOP जारी करेगा। 20 जुलाई को बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ सकता है। संभावना है कि इसमें पुरानी SOP जैसी ही व्यवस्थाएं रहेंगी। विवाह समारोह और शव यात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी, जबकि सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। कहाँ रहेगी पाबंदी और यहाँ मिलेगी छूट? तो सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। सभी जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इंटर्न्स डॉक्टरों के मानदेय में 2 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी। तो प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स MBBS डॉक्टरों के मानदेय में 2 गुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी की है। अब इंटर्न डॉक्टर को प्रति माह 7,500 रुपये की जगह 17,000 रुपये मिलेंगे। इस फैसले का लाभ सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहे लगभग 350 इंटर्न्स डॉक्टर को होगा। लालकुआं होटल में महिला की गला दबाकर हत्या। तो स्टेशन चौराहे पर स्थित नरूला होटल में 2 दिन से अपने साथी के साथ ठहरी महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव होटल के कमरे में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। हत्या की सुई साथी पर घूमने के कारण पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। महिला के पति ने तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सूचना पर SSP प्रीति प्रियदर्शनी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। राज्य में बारिश से बंद हुई 61 सड़कें।
तो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद 61 सड़कें फिर बंद हो गई हैं। कई सिंचाई नहरों और पेयजल लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संसद सत्र आज से, सरकार कई विधेयक लाएगी, विपक्ष घेरेगा। तो सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए 17 विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है। वहीं विपक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंधन, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें, चीन और किसान के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 22,000 भर्तियों के लिए प्रस्ताव की कवायद शुरू। तो विभिन्न सरकारी विभागों में 22,000 पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार का दबाव अधिकारियों का सिरदर्द बना हुआ है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय बाद रिक्त पदों का पता चला है। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय के भीतर इन विभागों में रोजगार के रास्ते खोलना है। दरअसल शहरी विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय से समूह के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। साल दर साल यहाँ पद खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में विभागों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कुल रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार करना है। सरकार का लगातार दबाव इस बात पर है कि जल्द संबंधित भर्ती एजेंसियों के पास प्रस्ताव भेजा जाए। अब इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत भर्तियों का रोस्टर और बैकलॉग के पदों को देखने में आ रहा है। इस पर उन पदों के लिए अर्हता व अन्य योग्यता को लेकर भी परेशानी कम नहीं है। विभागों से तेजी से अध्याचन आ रहे हैं। अभी तक 2000 पदों के लिए अध्याचन आ चुके हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद भर्तियों के नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिए जाएंगे। किस विभाग में कितने पदों पर होगी भर्ती? तो विद्यालय शिक्षा में 5,499 पदों पर भर्ती होगी, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 2,918, वन में 2,560, ऊर्जा में 2,021, चिकित्सा शिक्षा में 1,968, पुलिस में 1,530, राजस्व में 789, शहरी विकास में 772, उच्च शिक्षा में 698, सिंचाई में 786, पशुपालन में 300, कृषि में 470, ग्राम विकास में 474, लोक निर्माण विभाग में 312, पंचायती राज में 553, उद्यान में 314, पेयजल में 100, खाद्य संरक्षा में 46, समाज कल्याण में 103, जनजाति कल्याण में 155 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 182 पदों पर भर्ती होगी, जबकि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5,307 पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में 900 से ज़्यादा पदों पर जल्द शुरू होने जा रही है भर्ती। तो सरकार की रोजगार बढ़ाने की कोशिशों के बीच उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत जल्द ही 900 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। अधिसेवा चयन आयोग के पास विभागों से भर्तियों के अध्याचन तेज़ी से आ रहे हैं। इस बीच आयोग भी इनका अध्ययन कर भर्तियों में तेजी लाने की कोशिश में जुट गया है। आयोग ने अब मानचित्राकार के करीब 95 और फॉरेस्ट गार्ड के 890 पदों पर भर्ती की तैयारियां तेज कर दी हैं। 27 से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो आयोग में पहले से ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां तय की जा चुकी हैं। आयोग सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि 27 जुलाई से शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। LT भर्ती की परीक्षा 8 को। तो आयोग की सहायक अध्यापक LT भर्ती की परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोग सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक इसके लिए 8 अगस्त की तिथि तय की गई है। इस परीक्षा के लिए करीब 50,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। रोजगार सहित कई मांगों को लेकर के जन संगठनों का धरना। तो राजनीतिक दलों एवं जन संगठन ने जनता परेशान, सरकार नाकाम और रोजगार दो राहत दो के नारे के साथ राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। राज्य में मूसलाधार बारिश से बंद हुई 61 सड़कें। तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तो प्राकृतिक आपदा के समय तत्काल बचाव और राहत कार्यों के लिए पिथौरागढ़ में 2 माह के लिए हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा। कुमाऊं में बारिश का कहर। तो पहाड़ों पर बारिश ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। पूर्णागिरी धाम के हनुमान चट्टी के पास बड़ी चट्टान दरकने से पूर्णागिरी टनकपुर मार्ग बंद हो गया।
हरिद्वार में 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, तो पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे 4 मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। गढ़वाल में गदेरे उफान पर, तो बारिश के कारण भाबर क्षेत्र के लोग मणिपुर और चंडीचौड़ उत्तरी के बीच स्थित तेली स्रोत गदेरा उफान पर आने से कई जगहों पर बाढ़ सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा, तो मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल बहुत भारी बारिश, भूस्खलन और नदियों के उफान आने की चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी में बच्ची समेत 3 लापता, 3 घायल हुए हैं। वहीं खबर है देहरादून से, देहरादून में आवासीय स्कूल में संचालक ने बच्ची से दुष्कर्म किया। शिक्षा मंत्री के मुफ्त किताबें जल्द बांटने के आदेश, तो सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें देने के फैसले में अफसरों की ढिलाई पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। 1 साल की नौकरी 2 साल के बराबर, तो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 1 साल की नौकरी को 2 साल की दुर्गम की सेवा के बराबर माना जाएगा। दुकानों में घुसा पानी, माल देवता में आया मलबा, तो देहरादून में 2 दिन से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दून से लेकर रुड़की तक कड़े भू कानून की पैरवी, तो उत्तराखंड में औने पौने दाम पर बिकती जमीनों को बचाने के लिए सख्त भू कानून की मांग तेज हो गई है। दून में 10 रुपये तक महंगा हुआ टमाटर। पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे को लेकर के यूकेडी का प्रदर्शन, तो पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे के दिए जाने को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने घंटाघर स्थित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति स्थल पर प्रदर्शन किया। फिर ढहा प्रेमनगर में पुस्ता, तो बारिश के कारण प्रेमनगर में 2 पहले ढहा पुस्ता रविवार को और ढह गया। इसके आसपास की दुकानों को खतरा बढ़ गया है। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि अगर पुस्ते का शीघ्र पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। वही खबर है, मसूरी से गगोली धार में कई बार बंद मार्ग, लोग परेशान, तो शहर के 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गए हैं, इससे शहर में आने वाले पर्यटक परेशान रहे। गगोली धार में मसूरी देहरादून मार्ग भी कई बार बंद रहा। 2 दर्जन सड़कें क्षतिग्रस्त, आवाजाही प्रभावित, तो शनिवार रात हुई तेज बारिश के चलते माल देवता क्षेत्र की सड़क में आए मलबे के बीच से गुजरते वाहन। माल देवता सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा, तो माल देवता क्षेत्र में पहाड़ी का मलबा सड़क पर आने से सेरकी गांव के समीप PPCL टीरी मार्ग बंद हो गया। हजारों पर्यटकों को बैरियर से लौटाया, तो पुलिस ने रविवार को भी हजारों पर्यटकों को विभिन्न बैरियर से वापस घर का रास्ता दिखाया, जिसके पास ना तो RT-PCR थी और ना ही अन्य जरूरी दस्तावेज। पूरे दिन में 1200 से ज़्यादा वाहनों को बॉर्डर और शहर के भीतर बैरियर से वापस किया गया। ऋषिकेश से खबर है, रोडवेज के 2 डग्गा मार वाहनों को सीज किया गया। वहीं विकासनगर से खबर है, स्कूटी चोरी के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया गया है। त्यूनी से खबर है, पहाड़ी से गिरा पत्थर चालक की मौत हो गई, तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत टैक्सी यूनियन के समीप एक वाहन चालक के ऊपर पत्थर आ गिरा, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही खबर है, देहरादून से आवासीय विद्यालय में छात्रा से दुष्कर्म, संचालक गिरफ्तार, तो शहर के आवासीय स्कूल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी स्कूल के संचालक पर है। यह स्कूल एक NGO के माध्यम से संचालित किया जाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस संदेह के आधार पर एक महिला से भी पूछताछ कर रही है। कैंपटी फॉल से लौटाए गए 102 पर्यटक, गालियों से तंग होकर मार डाला था राजमिस्त्री को, तो राजमिस्त्री की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह राजमिस्त्री की गालियों से परेशान हो गया था, वह उसको हर रोज़ गालियां देता था। हत्या से पहले भी दोनों बैठकर शराब पी रहे थे, इसी बीच उसने गालियां देना शुरू कर दी। गुस्से में आकर उसने राजमिस्त्री की गले में चाकू से वार कर दिया, इसके बाद वहाँ से भाग गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया है। सेला कोई से खबर आई है, इसमें के साथ एक गिरफ्तार हुआ है।
ऋषिकेश से खबर है, ये फर्जी बाबा से 80 लाख के आभूषण बरामद। तो सराफा व्यापारी की पत्नी से लाखों रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रोबिन खलीफा से ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 80 लाख रुपए के आभूषण और बरामद कर लिए हैं। फेसबुक दोस्त ने जंगल में बुलाकर लूटा। तो पहले फेसबुक पर दोस्ती की और फिर युवा को जंगल में बुला करके बदमाशों ने उससे स्कूटी मोबाइल व नकदी लूट ली। क्लेमन टाउन थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून से खबर है, घर के बाहर खड़ी महिला की चेन लूटी। तो स्कूटर सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की चेन लूट ली। बोर्ड रिजल्ट को लेकर के असमंजस में छात्र। तो कोरोना काल के चलते इस बार केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की बच्चों को परिणाम वेल डिफाइंड मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। लगभग सभी स्कूलों की ओर से मूल्यांकन कर CBSE को भेज दिया गया है। नामी अस्पतालों के नाम पर बन रही फर्जी RT-PCR रिपोर्ट। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और NCR में खोले गए हैं फर्जी नाम के कलेक्शन सेंटर। 50 से अधिक फर्जी रिपोर्ट पकड़ी गई है। तो जिले में प्रवेश करने के लिए फर्जी RT-PCR जांच रिपोर्ट लेकर आने वाले लोगों का सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी खुराक के लिए युवाओं को भी स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं। तो जिले में कोरोना टीका की दूसरी खुराक लेना अब आसान हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को लिए फैसले में टीके की दूसरी खुराक लगवाने वाले लाभार्थियों को राहत दी है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को दूसरी खुराक के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। टीके की पहली डोज न मिलने से परेशान रहे लोग। तो कोरोना टीके की पहली डोज न लगने और दूसरी खुराक के बारे में समुचित जानकारी न होने के कारण लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर परेशान हो रहे हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ऑफिसर बनने का अवसर। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल में 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक पदों के पद रिक्त हैं। तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के पदों पर जल्द करें आवेदन। तो 3012 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की रिक्तियां तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हरेला निरंतर पौधारोपण से ही सुरक्षित होगा पर्यावरण। तो शहर भर में रविवार को भी हुआ पौधारोपण, लोगों ने लिया पौधों और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। पेंशनरों ने स्थगित किया आंदोलन। तो GMS रोड स्थित CGHS भवन निर्माण व पुनर्निर्माण में कोताही के विरोध में दून केंद्रीय पेंशन एसोसिएशन ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो रामणी गांव में मकान का पुस्ता ढहा, खतरा। तो भारी बारिश से घाट क्षेत्र के अंतर्गत रामणी में एक मकान का पुस्ता ढह गया और आंगन समेत आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सावन का पहला सोमवार आज सजे शिवालय। तो सावन मास के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है। इस बार 19 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने से मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं खबर आई है, लमगांव टीरी से जलकुर नदी में कपड़े धोने गया युवक बहा। तो जलकुर नदी के किनारे कपड़े धोने गया एक युवक नदी के बहाव में बह गया। घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर नदी से युवक का शव बरामद कर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। टीरी बांध प्रभावित 59 परिवारों को 10 साल बाद मिलेगा भूखंड। तो पुनर्वास निदेशालय 6 अगस्त को करेगा भूखंड आवंटित। गुलदार ने महिला पर हमला कर मार डाला। तो हिंडोखाल क्षेत्र के छाम गांव के सिरवा गांव तोक में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर मार डाला। जब ग्रामीण महिला के शव को घर ला रहे थे तो गुलदार ने दोबारा हमला किया और शव को घसीट कर ले गया। खबर लिखे जाने तक वन विभाग और पुलिस की टीम ग्रामीण के साथ शव की तलाश कर रही थी। तीर्थ पुरोहित करेंगे CM
के केदारनाथ भ्रमण का विरोध। तो ये देवस्थान बोर्ड भंग नहीं करने पर 7000 तीर्थ पुरोहित देंगे भाजपा से इस्तीफा। कर्ण प्रयाग से खबर है, पर्यावरण के विशेष कार्य के लिए भुवन सम्मानित। तो नंदा सेन वन आंदोलन की 33वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों ने निकाली रैली। लोक गायक जितेंद्र ने लोकगीतों की दी प्रस्तुति। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया बद्री गाय संरक्षण का आह्वान। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को भविष्य बद्री और कल्पेश्वर मंदिर के दर्शन कर पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने देवग्राम और बड़गिंडा गांव में जनसंपर्क किया और उर्गम घाटी में सरकार की ओर से वितरित की गई बद्री गाय के बारे में जानकारी ली। राजकीय सम्मान के साथ बीआरओ के जवान का अंतिम संस्कार किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान मृत बीआरओ के जवान जवाहर सिंह रावत का राजकीय सम्मान के साथ गंगा तट पर अंतिम संस्कार किया गया। हिमालय की तर्ज पर उत्तराखंड में लागू हो भू कानून। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि देवभूमि पर भू माफियाओं की नज़र टिकी हुई है, इससे मजबूत भू कानून बनाकर बचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पुस्ता टूटा, बल्लियों पर चल रहे वाहन। तो पोखरी हापला सड़क कई जगहों पर बनी हुई है खतरनाक। 31 तक करा सकेंगे पंजीयन नवीनीकरण। तो कोविड कर्फ्यू के कारण अप्रैल से जून तक सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण न करा पाने वाले अभ्यर्थी 31 अगस्त तक नवीनीकरण करा सकेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बारिश, गर्मी से राहत और जलभराव से आफत। तो भगत सिंह चौक और ज्वालापुर अंडरपास में पानी भरने से बंद करना पड़ा यातायात। नालियां चौक होने से सड़कों पर फैली गंदगी। छाता लेकर टीका लगवाने उमड़े लोग। तो रविवार सुबह मूसलाधार बारिश के बाद भी लोगों में वैक्सीन लगवाने का उत्साह कम नहीं हुआ। 105 वर्षीय श्री महंत सोहनगिरी ब्रह्मलीन। तो संतों में शोक की लहर, ब्रज घाट पर दी जाएगी भू समाधि। एक पुलिसकर्मी के जिम्मे 913 लोगों की सुरक्षा। तो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस की मदद ली जाती है। पुलिस के कंधों पर कानून व्यवस्था से लेकर VIP ड्यूटी की जिम्मेदारी है। जिले में एक पुलिसकर्मी के जिम्मे 913 लोगों की सुरक्षा है। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में भरी हुंकार। तो कांग्रेसियों ने ज्वालापुर क्षेत्र में निकाली पैदल मार्च। 27 से चलेगी उज्जैन एक्सप्रेस। तो सावन शुरू होने से पहले रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। सावन माह में बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए उज्जैन एक्सप्रेस शुरू हो गई है। गर्भवती महिला के 4 हत्यारोपी पकड़े। तो थनूरी से खबर आई है, कोटा मुरादनगर में शुक्रवार को हुई विवाहिता की हत्या के आरोप में शामिल 6 आरोपियों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किशोरी पंजाब से बरामद आरोपी भी पकड़ा। तो अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी और किशोरी को पुलिस ने पंजाब से बरामद किया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। धर्मनगरी को नशा मुक्त कराने का संकल्प। तो हमारा संकल्प नशा मुक्त हरिद्वार संस्था के पदाधिकारी युवाओं को करेंगे जागरूक। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो रामनगर में बाह मकान कई जगह हुआ नुकसान। तो चोर पानी, कानिया अंठेड़ा गांव के कई घरों में घुसा पानी। तो नाले में बह गई पर्यटकों की कार। तो रामनगर से खबर आई है, वहीं घरों में घुसा मलवा, दीवार ढह गई। गोला का जलस्तर 1593 और बैराज पर जलस्तर 1156 क्यूसेक तक पहुँच गया है। नैनीताल हाईवे पर पहाड़ी से आया मलवा यातायात प्रभावित हुआ है। MSc बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में नैनीताल के भीमताल परिसर में स्थित बायोटेक्नोलॉजी विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों में MSc बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। हल्द्वानी से खबर है, टीके की 20,000 डोज मिली। तो आज 45 से ऊपर आयु वर्ग के 8,400 लोगों का होगा टीकाकरण। हाईवे पर रात भर तड़पता रहा युवक।
तो हल्द्वानी नैनीताल हाईवे स्थित आम पड़ाव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक शनिवार की रात सड़क पर तड़पता रहा। रविवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज से शिवालयों में गूंजेगा हर हर महादेव। तो 19 जुलाई से होने वाले सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिला प्रवेश। तो नैनीताल में पिछले सप्ताह से कम पहुंचे सैलानी, कम दिखा जमावड़ा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पहाड़ी दरकने से बंद हुई टनकपुर पूर्णागिरी सड़क, 150 यात्री फंसे रहे। वहीं नाचनी के नया बस्ती में 11 घंटे बंद रहा थल मुंशियारी मोटर मार्ग। 2-3 दिन के भीतर तैयार हो जाएगा बेली ब्रिज। तो धारचूला से खबर आई है। NHAI के खिलाफ गुरना में लोगों का प्रदर्शन, तो गुरना मंदिर का सौंदर्यकरण न किए जाने पर जताई नाराजगी। वही खबर रही है पाठी रीठा साहिब चंपावत से, शराबी चालक ने रोडवेज बस को कार से टकराया, हादसा बचा। तो यहां शराब के नशे में धुत रोडवेज के एक चालक ने धूना घाट रीठा साहिब सड़क पर बस को कार से टकरा दिया। बड़ा हादसा होने से बार बार बच गया। शराबी चालक की इस हरकत से बस में सफर कर रहे 6 यात्री दुर्घटना स्थल से 10 किलोमीटर पहले विरगुल में ही उतर गए थे। बस में कोई भी यात्री नहीं था। रविवार को पार्टी पुलिस ने चालक का पुलिस एक्ट में चालान काटा। तलाश तो लीती गांव की BSNL संचार सेवा 5 दिन से ठप है। कांग्रेस की पदयात्रा का आगाज, तो रानीखेत में पदयात्रा के माध्यम से सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। वहीं सोमेश्वर से खबर है, यह लापता महिला का शव पेड़ पर लटका मिला। तो पिछले सप्ताह लखनाड़ी गांव से जंगल घास लेने गई 28 वर्षीय महिला का शव गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर म्योखाई के जंगल में पेड़ से लटका मिला है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो मानव तस्करों के निशाने पर कुमाऊं की बेटियां। तो मानव तस्करों ने कुमाऊं के गरीब परिवार की बेटियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद रुपयों का लालच देकर महिलाओं और युवतियों को दिल्ली या अन्य बाहरी राज्यों में ले जाकर के अनैतिक काम में धकेला जा रहा है।